प्यारे बहन भाइयों अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहन भाई अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ ठीक ठाक होंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे सभी बहन भाई को खुश रखे, आबाद रखे, आप सब हंसते मुस्कुराते रहें। इस दुआ के साथ अपनी आज की वीडियो करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले, जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ वीर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और साथ में घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप जो भी नई वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। अगर साड़ी आज भी साड़ी बहन भाई अच्छी लगी, उसमें लाइक और शेयर करें, तो अपनी आज की वीडियो कर दें शुरू। तो अभी साड़ी वीडियो कुछ इस तरह है। सब तो पहले अं जा रहे हैं बाजार, बाजारों एक तो अबू जी का सूट सिलाई करने वास्ते देख के आना है, तो उसके नाल जवे के सूट एक दर्जी दिते हैं, वो सिलाई हो गए होने हैं, तो वह भी लैके आने हैं। अबू जी अपने दर्जी होर को सूट सिलाई करा रहा है, असी मैं और भाई जवेद होर दर्जी तो फियाज भाई होर दर्जी तो एक तो वह लैके आने। उस तो बाद एक रिसीवर थोड़े खराब होया है, तो वह ठीक करा के लेकिन अबू जी कहना मैं खबर सुनता है, तो बाज़ औकात ना उसकी आवाज़ कर कर करना पै जाता है, तो वो ठीक करा के लेके एक उस लैके जावा दुकान पर, उसकी रिपेयरिंग करा के लेके आवेंगे, ठीक हो गया तो भी बेहतर, ना ठीक होया तो फिर व्यू लै लेंगे अबू जी होना वास्ते। तो उस तो बाद एक तो लैके जाना भी अज भाई जवेद और भाभी अम्मी जो पीन करते पे हैं आटा दाने, तो उस तो बाद एक गंदम लैके जानी है, उस तो चक्की तो आटा बना के लैके आवेंगे, तो नाल सरसों लैके जानी है, सरसों का तेल कढ़ा के घाने लैके आवेंगे मालूम देने वास्ते, फिर वो बाद लैके चलते। उस तो पहले फियाज भाई कह रहे कि भाई आवाज तुम मेरे नाल जाओ, तो असं मार्केट एक समान लैके आना है, वो लैके आवेंगे, और तुम फियाज भाई की वीडियो देखने तुम्हें पता लग जाएंगे कि चीज़ लैन जानी है, तो फियाज भाई कहते तुम मेरे नाल चलो, तो दोनों भाई लैके आते हैं। तो हूँ सब तो पहले फियाज भाई ने चलते हैं बाजारों समान ले आते हैं, तो उस तो बाद फिर मैं जावगा ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर के कहे ले जाएंगे गट्टू जड़े आ गंदम के पीन करके रखी हुए वो भी लै जाएंगे, उस आटा तैयार बना के लैके आवेंगे चक्की तो, ते नाल सरसों का गट्टू लै जाएंगे, तो हल्दी कानी कढ़ा ले आवेंगे। तो सब तो पहला चलते हूँ रिसीवर चकते हैं एक, तो दूसरा उसके नाल फिर अबू जी का सूट लैना आ जरा घर पिया है, एक वो नाल लेंदे अबू जी का जो नाप अबल दर्जी को होने ही बल्कि नाल कमीज लै जाते हैं, तो नाल फिर अबू जी का सूट सिलाई करा ले आवेंगे। तो हम सब तो पहले चलते हैं अबू जी का वास्ते रिसीवर और सूट लैके चलते हैं दुकान पर। साड़ा बैठ के रूम च पिया टीवी, सब तो पहला अगर रिसीवर लै लीए, अबू जी ने कल भी किया कल मेरे को टाइम नहीं लगा, फिर रात अबू जी गुस्से होंगे अबू कहना फोन कैसे रिसीवर ठीक करा के लैके, तुम ठीक नहीं करा के लैके आए, हूँ इतों टीवी ट्राली से रिसीवर बाहर निकालते हैं, अजय लाजमी ठीक करा के अबू जी ने लैके आने, अगर ठीक हो गया तो बेहतर, ना ठीक होया तो फिर अबू जी वास्ते न्यू लैके आवेंगे। तो मैं तो अबू जी ने कहा प्यार न्यू ले आने, अबू कहना पहले इसमें चेक कराओ, अगर यह ठीक होंगे तो यही ठीक करा के दो, तो ना ठीक होया तो फिर बाद का मसला, फिर न्यू लेना पे तो न्यू लेवेंगे। तो हूँ इन उतो उतारते हैं तो लैके चलते हैं। ये बी अबू जी की कमीज नापती है, ये भी नाल छपड़ी पा देते हैं, तो अबू जी का यह सूट सिलाई करवाना है। तो अबू जी कह रहे कि मेरा सूट मेरे दर्जी ने देख होना, जो मैं सिलाई करा, जो तुम सिलाई करवाने भी मेरी कमीज ठीक सिलाई नहीं करता, खराब कर दिता है, हाँ जी जो जे दर्जी तो अबू जी अगर सूट सिलाई करवा, ये उसमें कमीज देख के आवेंगे, तो अगर भैजी ये सूट सिलाई हो गए तो सूट चक ले आवेंगे, वो दूसरे दर्जी को आ, तो अबू जी ने दूसरे दर्जी को सिलाई करवाने। अच्छा भी दर्जी तो भाई को आ गए हैं, सूट सिलाई करा तो भी देता है, उस तो बाद सूट भाई जी सिलाई हुए थे वो भी लै लिया, बाइक ना लिखी लैनी वो भी लै लिया, तो कपड़ा बेटा तीन सूटा नाल पाता ना, बहुत चंगा किया, हूँ पीस को बचा लेने वाल को हड्डा पीस पिया तो पा दो मैं जी। सेब लैके आए थोड़े वास्ते, मतलब सेब अबू जी वास्ते, थोड़े वास्ते केले या तुम कटे लैके मर्जी खा लियो। हाँ जी, तो मैं चलो ना अच्छे लगे, मैं भी थोड़े ले आया, मैं ताजे ले आया, मतलब डेली चक्कर लगते हैं, तो केले भी ले, आलू भी, अबू जी की कमीज वापसी आ गई है नाप वाली, उन्हें क्या नाम मेरे को पिया है नजदीक ने, वो कहना मैं सूट सिलाई कर दाँगा, चादर भी नाल ही लगती, फिर लै जाइए मैं टक टूक लगा के उन्होंने ठीक कर दाँगा, फिर रिसीवर दिया है भाजी का सूट आ गया कपड़े, भाई थोड़े कपड़े आ गए हैं कुछ कतरा ना लैके आया, मैं सफाई सफुई वास्ते ना बस का चीजा पे मारने पाने को टाइम टूट के अगे पीछे कोई कोई चीज क्या पता नहीं, मोजी दे कपड़े नहीं नहीं मोजी दे कपड़े टोटे भी नाल होने हैं, ये कतरा बाहर कर रहा है, टोटे भी आ गए हैं, चलो ते कपड़े भी है ना कतरा ये सर पे कर लो ना, वैसे सारे कतरा ये आ वाइट नलकी भी आ गई भाभी जी ने, वाइट नलकी का क्या सी, चलो अब अच्छे थे, मैं कब ब्लैक, हां समझ गया, हां जी ते कपड़े चेक करो, हां पीस पीस इधर पाए हम खोलो, पहले पीस बाहर निकाल लेने, मैंने आ पीस आ गया तीन सूटा के नाल, तीनों सूटा नाल भी एक साइड पीस बचे जी बचे है, हम चेक करोगे पाक मजीद फिर पता लगेगा, जाना मैं, हाँ जी हाँ जी तीन देख लो एक दफा चेक कर लो, तो आ कतरा मिली साफ सफाई वास्ते ना, साफ सफाई मैं कर लगा, हाँ जी छोटी मोटी चीज साफ करनी हो
अच्छा भी फियाद भाई ने लैन जाना सी, इसलिए फियाद भाई मेरे लैके गया सी। फिर तो सिलेंडर से पैप फुलाना सी, फिर फियाद भाई कहना तुम मेरे नाल चलो। तो फियाद भाई जो लैके फियाद भाई रास्ते च पता की कहना, कहना गल इस तरह सिलेंडर हजे तो पाया, जो बाद सिलेंडर पेट्रोल पवा लो, सिलेंडर में पेट्रोल पवा लियो, सिलेंडर गैस भरा क्या पेट्रोल पा लियो। पेट्रोल मैं सिलेंडर यार पेट्रोल पाया नहीं है, मैं पेट्रोल पा। अच्छा भाई ट्रैक्टर उपर कट्टू रख लिया, गंदम आए भी सरसों का कट्टू भी भर के रख लिया, सरसों वास्ते सरसों के तेल वास्ते कैन भी ट्रैक्टर उपर रख लिया, सिलेंडर भरना से भी ट्रैक्टर उपर रख लिया। हम चलते मार्केट उपरों, पहला आटा पियावे सरसों का तेल की कणक कढ़ा लगे, एक सिलेंडर पर आके बस घर आ जाएंगे। तो कोल्लू तो असं पहुँच चुके हैं, उत्तम भाई वहाँ को पहला कहानी कढ़ावे, कहानी कढ़ाने के बाद भाई को आटा वो पीसेंगे। भाई कहें पहला मैं कहानी निकाल देने, मैं चलो बेहतर से पहला कहानी निकालो उस बाद चलो आटा पीसते हो। तो भाई कोल्लू चला लगे, बल्कि चला दिता हुआ, तो फिर ना सरसों पानी लगा के कोल्लू चला रहे हैं, तो इसका तेल निकल जाएगा। तो उस तो बाद भाई उन्होंने चलाई हुई मोटर बिजली, तो उसके बाद उस चक्की चला देंगे, तो नाल भाई उन्होंने पेंजा वगैरह भी लगाया हुआ जिससे वड़ियाने वगैरह निकलते हैं बाद। तो उस तो बाद दूसरा पेंजा भी है जिस तरह बिस्तरे वगैरह भराए जाते, तो नाले अपने दिखाने भाई मैं भाई वो दिखा दे। जल्दी निकल जाता हूँ आए हैं, तो मैं भी पहला तो तुम इस तरह करो कोल्लू तो सानू ना तेल निकाल के दो, तो उस तो बाद चक्की चलाया। फिर साफ करनी पैनी सारे साफ कर, यह पेंडा चलता पाया। इस भाई कपाह भी होंगे ना पुटियां ना कपाह कहते, वो उस तरह पर गल लगा रहे उस तरह भाई वाले सैड पर नीचे बने में आ रहे हैं, तो उस सैड पर कार कपाह धारू आ रहा है। तो पेंजे तो ना रूम पीजा जाता है, तो माइया ना लेके आई हाँ जरा उन्होंने पहला रजाइया तलाइया दिखाएगा ना रूम जहाँ, तो वो इस पेंजे पर पीजा जाएगा ना, इस तरह बिल्कुल रूम ठीक हो जाएगा। मैंने तो उम्मीद उसने पेंजा ही कहें, होर कुछ होर कहें हम तो पता नहीं, दूसरा जे तो रूम निकाला जाता है इसनों कुछ होर बोलते, लेकिन जो पहला से उसको पेंजा कहें, इस पता नहीं की कहें, इस समय उन्होंने नाम भूल गया है। इस दिन ना पुराना माया रूम लैके से, मैं चलो ये भी अपने देखने वाला भैन भैन दिखा दिए, ऐसा भी सीन लै लीए। इस तरह ना जो हों पर लोगल शोगल या रूम, इस तरह फिर भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा पेंजे आके। तो इधर भाई लगा मिस्त्री, तो छाना बना रहा से, छाना मिस्त्री भाई ने बना लिया, तो हम मिस्त्री भाई ना जो होंगे ना हैरन के तवे उसका टोका तैयार करता पाया है, टोके बना रहे 1200 की जोड़ी है, तो बहुत काफ़ी मेहनत होती, 600-700 का तवा मिलता, उस तो बाद इसको कोट कोट के तैयार करने पड़े। फिर ये तो लोकड़ का रूम है, तो लाल करोस का ना जो कपाह की अगड़ाइया का पहला रूम, तो इस बिस्तरे वगैरह भर दिया भरे जाते, खालस कपाह होंगे है, कुछ लोकड़ होंगे बेशक किसी को ज़्यादातर जो कपाए होंगे ना कपाए सामने अभी गिर गए पंजाई गई, तो इस तरह तैयार कर, कोई मसला नहीं कहीं करो। अच्छा भी आटा पीसे गया भाई अपनी काट कटता पे, तो सरसों का तेल भी सारा निकल गया है, वो भी घर लग चुका है, तेल कढ़ा लिया, तेल माशाल्लाह की ठीक ठाक निकल आया, गट्टू भी भर के दिता सी, हां जी गट्टू भी फुल सी ना, कैन भी यार लागे लगी हुई है, तकरीबन जड़ी होनी भरा भी भर दे अम्मी फुल 20 किलो हो गया, तकरीबन 20 किलो सरसों का तेल निकल आया, कि ऐस माल लो माल गर्म करके फिर माल पलावांगे, हां नेतर लेवे ना, हां जी ते सी माल ना रोटी गर्म गर्म डालते की अच्छी तरह चौपड़ के ना ऊपर सुरख मिर्च का पाउडर लगा के ना ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਈ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬਾਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮਾਲ ਬਾਦੀ ਹੋਈ ਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ।
आज साड़ी वीडियो इतने तक ही। अगर साड़ी वीडियो साड़े भैन भाई अच्छी लगे इस लाइक और शेयर करियो और इस तरह जिन्हें भैन भाई ने अज तक आवास वीर चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लियो। अगर साड़े चैनल सबसक्राइब किया तो नाल घंटी के बटन जरूर प्रेस करो ताकि असी जड़ी भी नवी वीडियो बनावेंगे उसका नोटिफिकेशन थोड़ा बार वक्त मिलता रहेगा। तो कल फिर मिलेंगे एक नवी वीडियो के नाल। उद तक अपना और अपने प्यारियों का बहुत सारा ख्याल रखियो तो अपने आवास वीर रखियो दुआवां याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।